with a slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the monsoon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Hello, assalamu alaikum. Welcome to a brand new vlog. And today's vlog, jo hai, wo main mobile pe aur shoot kar raha hu. और मैं बाइक पे बैठा हूँ. आपको गुजरात शहर की जो फेमस जो जगह है ना, वो मैं दिखाता हूँ. सबसे पहले हम यहाँ पे पहुँचे हैं द वॉल ऑफ गुजरात, और मेरे साथ जनाब अब्दुल्ला साहब हैं. कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. और ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, हमने इकट्ठे जो है मैट्रिक किया है, डिप्लोमा किया है, बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हैं, तो उन यादों को हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गो जनाब. मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर, वाओ, ये गुजरात की जो है ना अल्टीमेट उनको कह सकते हैं कि शान है. 6 दिसंबर को इन्होंने जामे शहादत नोश किया था. इनको सल्यूट सर जी. आ जाएं जी नेक्स्ट. अब ये गुजरात से नहीं है, लेकिन इनका यहाँ पे तस्वीर लगनी ज़रूरी थी. ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है. अगली जो हस्ती मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी किसी तारफ के मुख्ताज नहीं है. आ जाइए सब. आगे जो है वो आपको एक छोटा सा एक बता रहे हैं कि आपने सिटी को कैसे क्लीन रखना है. मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद, और इनको भी हमारी तरफ से सलूट है. 1965 की जंग के दौरान इन्होंने जामे शहादत नोश किया था. आ जाएं जी. मेजर मोहम्मद अकरम शहीद साहब हैं, और ये 1971 की जंग में जो है वो इन्होंने जामे शहादत नोश किया था. इनको सलूट है हमारी तरफ से. निशान हैदर मिला था इनको जी. तो अगली शख्सियत हैं अब्दुल्ला हुसैन. ये नावल निगार थे, और इनकी उदास नस्लें जो है ना नावल, उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा पसीराई मिली थी. आ जाएं जी आगे. अल्टीमेट मोहम्मद आलम लोहार, इनको कौन नहीं जानता. इनके बेटे हैं जो कि अभी आरफ लोहार हैं, ओके, जिनको अभी तो उनकी मतलब उनका बोलबाला है आजकल. और इनकी भी इनका सॉन्ग था, सबसे पहला सॉन्ग इनका था जुगनी, जिनको आगे उन्होंने अब इनके बेटे ने आगे उसको कंटिन्यू किया है. ऑलराइट, अगली शख्सियत हैं प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ कुंजाई साहब, और ये पहले शख्स हैं जिन्होंने कुरान पाक का पंजाबी में तर्जमा किया. ओह माय गॉड, वाओ, ये मुझे आज तक नहीं था पता, और ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए बहुत ही काबिले फ़ख्र है कि ये भी पाकिस्तानी, ये भी गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं. और इनको भी बहुत सल्यूट, अल्लाह इनके दर्जात बुलंद फरमाए. ऑलराइट, अनायत हुसैन भट्टी साहब, इनको तो मैं जानता हूँ, ये गुलूकार, और इन्होंने जो है वो सैफुल मलूक भी कमाल की गाई हुई है. सैफुल मलूक तो इनकी मैंने बहुत सुनी है, और अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे. आ जाएं जी. अभी एक हस्ती जो हैं, इनको कौन नहीं जानता, प्रोफेसर अनवर मसूद साहब. और जी हाँ, ये भी गुजरात से इनका ताल्लुक़ है. तू की जाने पोलिए मजे ते आज की पकाइए. ये इनकी जो है ना अल्टीमेट फेमस हुई थी, और ये गुजरात से हैं, ये जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इनकी अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्त दे, इनकी उम्र लंबी करे. ऑलराइट गाइस, अभी फ़िलहाल हम नवाशी पार्क की एंट्रेंस पे आ चुके हैं, आप पीछे हमारे देख सकते हैं. और चलिए आपको अंदर का मंजर दिखाते हैं. सबसे पहले पार्क की एंट्रेंस, और पहले से काफ़ी इन्होंने जो है वो इम्प्रूवमेंट की है इसमें, और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन कर दिया है. एक कॉरिडोर इन्होंने दो बना दिए हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं. और ये आप देख सकते हैं पीछे ग्रीनरी जो है यहाँ पे नेचुरल है, दुबई की तरह नहीं है. Cause you got me haunting, even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it, and I don't need to speak a single word.
ऑलराइट गाइस, कॉरिडोर हम क्रॉस कर चुके हैं और यहाँ पे सामने ये पीछे देख सकते हैं ये अंडर कंस्ट्रक्शन है स्टिल, और जहाँ जितना बना है उतना जो है वो अच्छा है, पार्क की खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। और पीछे ये एक टाइम पे फाउंटेन्स हुआ करते थे, बहुत ही अमेजिंग किस्म का ये एक मंजर पेश करते थे। अभी बंद है, डोंट नो इनको चलाएंगे या नहीं, और अगर कोई इंतज़ामिया का बंदा देख रहा है वीडियो को तो प्लीज़ इनको चलाएं, इनको पहले की तरह जो है वो पार्क की खूबसूरती को बढ़ाएं। अभी हम एक पॉइंट पे आपको लेके चलते हैं, वहाँ से पार्क का ऑलमोस्ट पूरा नज़ारा आपको जो है वो हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, अभी हम जो है वो एक और जगह में आ चुके हैं जिसका नाम है शहबाज शरीफ पार्क। हम आज नून लीग की जो है ना खिदमत उसको कवर करेंगे, और मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा हो रहा है, इसलिए हम बाइक की जगह पे गाड़ी पे आ गए, जगह भी थोड़ी दूर थी। तो चलें, आपको मैं लेके चलता हूँ बाहर, लेट्स सी के कैसा नज़ारा है। ऑलराइट, चलें जी, अब हम पार्क के अंदर की आपको एंट्रेंस और फुटेज दिखाते हैं। ऑलराइट गाइस, प्यारे प्यारे बच्चों, आपको पार्क की सैर करवाते हैं, आ जाइए, फॉलो मी। जो जो बंदा पबजी खेलता है वीडियो को लाइक करे जिसने ना की अल्लाह करे उसका अकाउंट बैन हो जाए यार वैसे बड़ा आला किस्म का मौसम है आज, लोग आ नहीं रहे यहाँ पे, मिस कर रहे हैं या फिर वो शाम में आएंगे, लेकिन मौसम कमाल है यार। ओह माय गॉड, इस तरह का मौसम जब दुबई में होता है ना तो मैं बीच पे ज़रूर जाता हूँ, मौसम एंजॉय करने कुछ और नहीं। ऑलराइट गाइस, स्लाइड का टाइम हो चुका है, और आप जब भी पार्क में आए ज़रूर स्लाइड लिया करें, अपने दिल अंदर के बच्चे को मरने नहीं देना, लेट्स गो। यार लेना मतलब डेंजरस ही है, क्या पता कोई एंकल वगैरह जो है आप टेढ़ी हो जाए, लेकिन मज़ेदार चीज़ है। ऑलराइट जी, टाइम हुआ जाता है कि अब हम साइन ऑफ करें, लेकिन उससे पहले आपको एक मेन चीज़ दिखाना चाहूँगा। पीछे हमारे किनारा रेस्टोरेंट है और सामने हमारे दरिया है, ये नज़ारा इंजॉय करने वाला है। विदाउट फर्दर डू चलें, चलते हैं, इंजॉय करते हैं। यार गाइस, मैं दुबई जाने से पहले जब यहाँ गुजरात में था, तो जब कभी स्ट्रेसफुल फील करता था, स्टडीज़ के स्ट्रेस हो सकती है, कोई और पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं नॉर्मली यहाँ पे आता था, यहाँ पे आके बैठ के मैं इस दरिया की मौजों को देखता था, अपनी दिमाग में जो कम्प्लेक्सिटी वगैरह जो भी है वो उसको मैं इस पानी में बहा देता था, और बहुत रिलैक्स करके मैं यहाँ पे अकेला आके बैठता था, कभी कभी छोटे छोटे पत्थर लेके मारता था, उस चीज़ को एंजॉय करता था। और अभी फ़िलहाल मेरे माइंड में सभी वो एक फ्लैशबैक की तरह चल रहा है, और मैं काफ़ी इमोशनल होकर बैठा हुआ हूँ, जो कि होना नहीं चाहिए। व्लॉग में जो है वो मुझे मौज मस्ती लेके आनी चाहिए आप लोग के लिए, ताकि आप बोर ना हो,
लेकिन आप चीज़ आप लोग से एक चीज़ यही शेयर करनी थी कि ये हमें अल्लाह ताला ने एक बड़ी अच्छी नेमत दी है यहाँ पे गुजरात सिटी में, जो कि थर के इलाके वाले जानते हैं कि उनके पास पानी पीने के लिए भी नहीं है, यहाँ ऐसा वाला पानी मिलता है उनको तो वो खुश हो जाते हैं बारिश के बाद। तो लिहाजा इस नेमत की जो है वो कदर करें। यहाँ मेन चीज़ है कि यहाँ कूड़ा करकट वगैरह ना गिराया करें। और अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, जैदी जर्नी में आने के लिए आप सबको थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय।